शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके बल पर किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। ऐसे में छात्रों को चाहिए कि मेहनत के साथ पढ़ाई कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करें। उक्त विचार सपा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद एबाद ने व्यक्त किया। वह बुधवार को छात्र छात्राओं के बौद्धिक विकास एवं व्यक्तिगत निर्माण हेतु आजाद हिंद मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा टांडा नगर के मुबारकपुर में स्थित मदरसा जामिया इस्लामिया चिश्तिया के परिसर में सपने भी सच होते हैं विषय पर आयोजित एक दिवसीय विचारिक गोष्ठी एवं सेमिनार को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही समाज व देश का विकास संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को लक्ष्य निर्धारित कर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। बिना लक्ष्य निर्धारण के सपने साकार नहीं हो सकते। उन्होंने मौजूद छात्र छात्राओं से उनका लक्ष्य पूछा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत पर अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। कि सपने भी सच होते हैं। अगर हम और आप बच्चों ये तय कर ले, ये बीच में बोल रहे हो कि कोई बहुत बड़े घर के बच्चे नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान ही नहीं पूरे देश का इतिहास गवाह है कि देश अगर कोई तरक्की करता है तो मेहनत करने वाले करते हैं। बच्चों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी बच्चियों, आपके हाथ में भी टाइम है, वक्त है। अगर आप चाहती हो कि आपके वालिदैन आपको देखकर खुश हों, आपकी वजह से आपदान का नाम हो और समाज की जो बुराइयां हैं वो दूर हो, आपका परिवार आपका घर तरक्की करे, तो अगर आप ये अहद कर लीजिए, आप एक सपना देख लीजिए, जो सपना बाप का सपना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो आप अभी से। इस बीच उन्होंने बांसुरी की तान पर देशभक्ति गीतों की धुन छेड़ी, जिसे लोगों ने खूब सराहा। इस दौरान आसपास के विद्यालयों के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता टांडा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद जावेद व संचालक मोहम्मद दानिश ने किया। मौके पर कसीम अशरफ, मुजीब अहमद उर्फ सोनू, गप्पू चौधरी, मोहम्मद आसिफ, मेहराज अहमद, अब्दुल गफूर, तौसीफ अहमद, अलाउद्दीन, मोहम्मद रशीद, गुल मोहम्मद, रजी अहमद, मोहम्मद सलमान आदि मौजूद रहे।